सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण दिए जाने पर राहुल गांधी को धन्यवाद कहा और अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपनी चिट्ठी में अखिलेश ने कहा कि भारत एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अहम यह है कि इससे पहले अखिलेश ने भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित न किए जाने की बात कही थी और वो जमकर कांग्रेस पर बरसे थे। अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिलेश और राहुल गांधी के बीच भी इस दौरान जुबानी जंग देखने को मिली थी। एक भयानक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे ऋषभ पंत, उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों की वजह से आराम नहीं कर पा रहे हैं। उनके परिवार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी। पंत के परिवार ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हाई प्रोफाइल लोग जिनमें विधायक, मंत्री और अभिनेता शामिल हैं, निर्धारित समय के बावजूद उनसे मिलने आते रहते हैं। मेडिकल टीम के एक सदस्य ने कहा कि ऋषभ को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आराम करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है। जब वह मिलने वाले लोगों से बात करते हैं तो उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें एनर्जी बचाने की जरूरत है। इस बीच DDCA के निदेशक श्याम शर्मा ने इंडिया टुडे को बताया कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को संक्रमण के जोखिम से बचाने के लिए प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। नए साल के मौके पर PNB ने सेविंग्स और 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। बता दें, RBI ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद बैंक जमा की दरों में इजाफा कर रहे हैं। PNB ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट्स और FD पर 50 बेसिस पॉइंट्स तक का इजाफा किया है और ब्याज की ये नई दरें 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी गई हैं। टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हो 2 में प्रिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा परमार ने शो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले एकता कपूर के इस शो को नकुल मेहता ने भी छोड़ने का ऐलान किया था। ई टाइम्स से बातचीत करते हुए दिशा परमार ने बताया कि इससे पहले भी जब मेकर्स ने एक लीव के बारे में बताया, मुझे एक 5 साल की बच्ची की माँ का रोल प्ले करना होगा, मैं थोड़ा डरी लेकिन मैंने इसे काफी एंजॉय किया। मैंने इस रोल के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, ये एक्सपीरियंस अच्छा था। लेकिन अब 20 की लीव होने जा रहा है, मुझे लगा कि मैंने 1.5 सालों तक इस शो को अपना बेस्ट दिया है और अब मुझे मूव ऑन करने की जरूरत है।